नहीं प्लीज, मेरे और हाया के बीच कुछ भी नहीं। मैं अभी इस वक्त अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, उसके दुख में शरीक होने आई हूँ। देखो नूर प्लीज, हाया हम दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी है, तो मेरा यकीन करो मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ओके, मैंने यकीन कर लिया। ठीक है, जो बोल रहे हो वो सच है। मैंने जानबूझ के नहीं मारी है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, सब कहिए तो है। ओए भाई कौन है, तू कहां से आया है? ओए मैडम ने एक बंदे को उड़ाया गाड़ी से, वही से थाने ले जा रहे हैं, और कहां ले जा रहे हैं? तुम क्या कर रही हो अभी तक यहाँ पर, गई क्यों नहीं? तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हारे साथ ही जाऊँ। यार नूर तुम भी पागल हो, तुम्हें पता है चली जाती, ऑफिस भी नहीं गई, फरहान सर की कॉल भी आई थी, वो कह रहे थे कि तुमसे बात करना चाह रहे थे। हाँ बस मैं तुम्हें ड्रॉप करने के बाद डायरेक्टली ऑफिस जाऊँगी। अच्छा, लेकिन मैं तो अपनी दोस्त की गाड़ी में, बल्कि नहीं वो तो अपनी गाड़ी लेके चला गया। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें छोड़ के वैसे भी नहीं जाऊँगी। अच्छा मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो क्या बात है। यूसुफ पता नहीं आजकल ऑफिस का माहौल बहुत अजीब सा हो गया है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? I don't know, like फरहान अंकल भी इतना चुप चुप रहने लग गए हैं, किसी से बात नहीं करते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। I mean, हो सकता है शायद वो अपनी वाइफ की वजह से परेशान हो। अब तुम खुद देखो ना नूर, उनकी वाइफ अकेली वहां पर रह रही है, फरहान सर लोगों की खातिर यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, तो मुश्किल हो जाता होगा ना उनके लिए। हो सकता है वो तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। चाहे तुम ठीक कह रहे हो। अब चलें। क्या सोच रही हो उसके बारे में? जैसी जिंदगी तुम चाहती थी तुम्हें मिल तो गई, अब सब कुछ तुम्हारा ही है। सोच पर तो पाबंदी नहीं होती ना, कम से कम एक बार सुन तो लो वो क्या चाहता है। नहीं हरगिज नहीं हया, ये याद रखना कि वो उसी फैमिली का हिस्सा जिस फैमिली ने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी। कीचड़ में भी तो कमल के फूल खिलते हैं। हो सकता है वो अच्छा इंसान है। ये क्या हो रहा है मुझे, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ अली बेटा अंदर आओ। नहीं आंटी बस मुझे थोड़ा काम है, मैं चलूंगा। अम्मी आप प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। होते रहेंगे तुम्हारे काम, आओ अंदर आओ, घबराओ नहीं, तुम्हारी अम्मी कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा आप लोग चले, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अरे सबा आओ। वालेकुम सलाम। खाला अब कैसी हैं? बेहतर हूँ बेटा, बस तुम बच्चों की दुआओं से बच गई। कैसी बातें कर रही हैं खाला, आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों की वजह से ही तो हम भी हैं। आता है तुम्हें रिदा भी आई थी मुझसे मिलने के लिए, लेकिन वो बेचारी तो खुद बहुत बीमार है। मेरी बात हुई थी उनसे और वो शादी का सुनकर बहुत खुश थे, लेकिन वो आ नहीं पाएंगे। अली आओ बेटा, जाओ बेटा आंटी के लिए जरा चाय बनाओ। अरे नहीं भाई, माइयों की दुल्हन है, माइयों की दुल्हन से ज्यादा काम नहीं करवाते। अली बेटा अब तुम यहाँ के रास्ते याद कर लो, अब तुमने रोज हमें लेकर आना है, मुझे और सबा को। अरे भाई आप हम दोनों बहनों से भी तो मिलने के लिए आएंगी ना, एक पन दो काज हो जाएंगे। आमिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाफिस। वो
हो गई बात मियां साहब से, सुकून मिल गया आपको। अब तो आपको उन्हीं के पास चले जाना चाहिए मैडम। आना तो है रूम, पापा का बिजनेस कौन संभालेगा? यार उसको वहीं रहने दो, वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। हमाद, मैं नूर को यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। उसको कोई भी नहीं है यहाँ पे, फुप्पो भी नहीं है। अब तो फरहान अंकल हैं तो सही उसके पास, और अगर इतना ही मसला तो शादी करा दो उसकी। तुम कर लो ना नूर से शादी। मैं दोबारा बात करके देखती हूँ उससे। नूर, मुझे पता है तुमने मेरी सारी बात सुन ली है। फिर तुमने फैसला कैसे कर लिया? मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ यार, मुझे सब कुछ याद है। I know, लेकिन लेकिन क्या? तुमने बात भी किस तरह से की, और एक दफा मुझसे पूछा भी नहीं। मतलब मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई फीलिंग्स हैं, शायद मुझे भी कोई पसंद आ सकता है। नूर, मेरी बात सुन, तुम्हें पूरा हक है, ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारा राइट है कि तुम अपने डिसीजन लो। किसी का कोई हक नहीं बनता कि कोई फैसला तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करे। नहीं, हम कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें बुरा लगे तो मैं ये बात दोबारा नहीं करूंगी। ऑनेस्टली फिजा, मेरे ख्याल से बात कभी होनी भी नहीं चाहिए थी। डैड के साथ साथ ये बात भी खत्म हो गई है। I'm really sorry, Noor. I didn't mean to hurt you. नहीं प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं थोड़ी देर अकेली रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, और फिजा प्लीज अपने भाई से भी बोल दो कि कोई ऐसी उम्मीद ना रखे जिसकी वजह से वो हर्ट हो। थैंक यू। Can we meet? वालेकुम अस्सलाम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी राजी हो जाएंगी मुझसे मिलने के लिए। वो एक्चुअली मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपको क्या बात करनी है। अगर मैं अभी आपको वो बात बता दूं तो आप कहीं बहुत बुरी तरह रिएक्ट तो नहीं करेंगी? ये तो आपकी बात सुनने के बाद ही पता चलेगा ना कि आपको किस किस्म की बात करनी है। तो आज शाम फ्री हैं आप? नहीं नहीं, आज तो नहीं, आप कल का रख लें। अच्छा, तो जगह मैं डिसाइड करूंगा क्या? नहीं, आप डिसाइड कर लें, बस मुझे एक घंटे के मार्जिन से बता दीजिएगा। आई विल कम देयर। कर ली डिसाइड? आपके घर के पास जो मॉल है उसके फूड कोर्ट में मिलता है, शाम 5 बजे। ओके, गुड, लव यू। सूप बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं शकीला, मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा। अरे खाला, कैसी बात कर रही हैं? अगर आप खाएंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी? और यूसुफ भाई का सोचिए, कितना परेशान हो जाएंगे वो। लाएं, मैं पिलाती हूँ आपको। देखते ही देखते बेटियाँ कितनी बड़ी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, है ना? हाँ आपा, हमारी रिदा खैर से अपने घर की हो गई, और कल मेरी सबा भी अपने घर की हो जाएगी।
फिर ये घर कितना सूना सूना सा हो जाएगा ना। अरे तो आप यूसुफ भाई की दुल्हन ले आए ना। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे बेटा, मेरे तो दिल का सबसे बड़ा अरमान है कि अपने यूसुफ का सेहरा देखूं। लेकिन मुझे लगता है ये अरमान मेरे दिल में ही दबके रह जाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो आपा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें अपने यूसुफ की खुशियां देखना नसीब हो, बल्कि पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाओ, उनकी भी शादियां देखो। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी मर्जी से ही आया और तुम्हारे लिए एक डील लाया, अगर तुम मदद करो तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। आई नो काम मुश्किल है लेकिन जरूरी है। अरे करना क्या है बताए ना, साफ साफ बात करें, क्या पहेलियां बुझाते रहते। मैंने सुना वो सच है क्या? हमाद बताओ मुझे, जो मैंने सुना क्या वो सच है? क्या सुना तुमने? अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम फिजा से मेरी शादी की बात कर रहे थे ना। देखो मैंने फिजा से शादी की कोई बात नहीं की, वो बस अपनी तरफ से। हाँ ठीक है, वो खुद ही से कर रही थी, ठीक है आई गेट इट, लेकिन तुम मना तो कर सकते थे ना। अगर तुम इनकार कर देते तो वो मुझसे आके ये बात नहीं करती। ठीक है अब तुम परेशान ना हो, तुमसे सवाल सब कोई बात नहीं करेगा। मैं तो इनफैक्ट फिजा को अपने साथ अमेरिका लेके जाना चाह रहा था, लेकिन वो तुम्हें छोड़ के कहीं जाने ही नहीं चाहती। सबा सबा। जी खाला। अरे बेटा कहाँ बैठी हो तुम अकेली, कुछ टाइम हमें भी दो, फिर तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, चली जाओगी। और हाँ वो नूर को फोन करो, उससे कहो अपनी कुछ सहेलियों को लेकर आ जाए, घर में कुछ हल्ला गुल्ला करे, लगी नहीं रहा शादी का घर है। हाँ आपा, रिदा होती तो अपनी सहेलियों को बुला के कितना हंगामा करती, याद है उसे कितना ढोल बजाने का शौक था। जब शमसी की शादी थी तो कितनी छोटी सी थी रिदा, लेकिन कितना अच्छा ढोल बजाया था, सब हैरान रह गए थे। हाँ सब याद है, कितने दिन हो गए अपनी बेटी की सूरत देखे हुए, अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर अपने घर लाऊंगी थोड़े से दिन के लिए। सबा क्या हुआ, क्यों चुप हो? नहीं खाला कुछ भी नहीं। अल्लाह मेरी सबा को बहुत सारी खुशियां दे, इसे कभी कोई गम ना मिले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे अपनी आने वाली नस्ल को सुधारे, इसे कभी कोई दुख कोई तकलीफ ना हो। क्या हुआ क्या बात है सबा? शकीला रोने दो थोड़ी देर, थोड़े इसके दिल को सुकून मिलेगा, दिल हल्का हो जाएगा इसका। कुछ नहीं है सबा, सब ठीक है, बस ना सब लड़कियों को जाना पड़ता है। बच्चे ये कौन आ गया? फरहान साहब मेरे ऑफिस में, क्या किसी ने बाहर से धक्का दे दिया आपको अंदर? मैं अपनी मर्जी से ही आया और तुम्हारे लिए एक डील लाया, अगर तुम मदद करो तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। आपको किसने इतनी खुशफहमी में डाला है कि मैं आपकी मदद करूंगी? माना भी तो कर सकती। फरहान साहब आप खुद पागल हैं या दूसरे को समझते हैं? ना तो मैं पागल हूँ ना किसी को समझता हूँ, बहुत सोच समझ के बात करता हूँ मैं। काम क्या? 20% शेयर्स में 20% इजाफा हो सकता है।
20% कैसे? नूर से. Since the idea is not that bad, लेकिन ये काम आसान नहीं. ये शहरयार नहीं है, ये नूर है. तभी तो तुम्हारे पास आया. आपको क्यों लगता है मैं आपकी मदद करूंगी अगर मैंने मना कर दिया तो? है ना, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. अपने फायदे से इनकार, I don't think so. But I have a condition, Mr. Farhan. What? 30%. Okay. Fine. क्या काम? I know. काम मुश्किल है लेकिन जरूरी है. अरे करना क्या है बताए ना, साफ साफ बात करें. क्या पहेलियां बुझाते रहते? नूर और यूसुफ की शादी, अगर तुम उनके रास्ते का कांटा ना बनो तो आसानी से हो सकता है ये काम. क्या ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं नूर और यूसुफ की शादी करवाऊंगी? मैं जब तक जिंदा हूं ये कभी नहीं हो सकता, ये याद रखना. आया समझने की कोशिश करो, इसमें तुम्हारा अपना फायदा है. जरा सोच समझ के बात करो. मैं अपना हर काम सोच समझ के करती हूँ फरहान. जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना वहां मेरी शुरू होती है, समझे तुम? देखो प्लीज नाउ जस्ट स्टॉप एंड लीव. गेट अप, गेट अप. पछताओगे. विल सी. खराब हुआ उस आदमी का. कल हमारे घर में बहू आ जाएगी, कितना रोशन हो जाएगा ना हमारा घर. बस मेरे बेटे का घर बस जाए इंशाल्लाह. वैसे मैं ना अली से कहूंगी कि अपने गुस्से पे काबू रखे. अब भाई अब इतनी ज्यादा पाबंदियां भी ना लगाएं, हमारा बेटा बहुत समझदार है. कभी कभी ना ज्यादा समझदारी जो है ना काम खराब कर देती है. आप कुछ ज्यादा सोचती नहीं है बेगम. मैं तो कहता हूँ कि अब आप सिर्फ बहू के आने की तैयारियां करें. आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने कर ली है सारी तैयारी, फिक्र मत किया करें. ओके मॉम, डैड, आई एम लीविंग, बाय. जल्दी आ जाना और मेरी बात सुन लो कान खोलकर, मुझे दोबारा कहना ना पड़े. और हाँ, एक महीने तक ना ऑफिस तुम्हारे पापा जाएंगे. क्यों 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 भाई, शादी बेटे की और सजा बाप को? सुने, ये सजा नहीं, ये काम है. अरे अरे, आप दोनों क्यों लड़ने लग गए? मैंने एक महीने तक का तमाम काम निपटा दिया और लोगों में बांट भी दिया. डैड, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, सो रिलैक्स. देखा, थैंक यू बेटा, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी. ऐसे जाओ बेटा. ओके, सी यू. टेक केयर बेटा. अल्लाह ताला मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे. आमीन. चलें, ठंडी हो रही है चाय, पी लें, फिर कहेंगे तो गरम लेकर आओ. लो भाई, तुम्हारे कपड़े सिल गए. शकीला, सिल के तो अच्छे लग रहे हैं, उसने तुम्हारे कपड़े नहीं दिए? अरे नहीं, कहा, कह रहा था अभी काम बाकी है, शाम को दे दूंगा. तो तुम सबा को कहो, फोन कर दे शहजाद को कि दुकान से वापसी में लेता है. हाँ आपा, अब तो मेरे घुटनों में भी दर्द हो गया. आपा, सबा चली जाएगी तो सारा काम हम दोनों पे आ जाएगा, मुझसे तो अब नहीं होता भाई इतना. शकीला फिक्र नहीं करो, मैंने मासी का इंतजाम कर लिया है. वो बराबर वाली कह रही थी कि आज तो चली गई है, सुबह आएगी तो भेज देंगी, परेशान नहीं हो. हाँ भाई ठीक है, अब तो मासी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता. अच्छा जरा मैं सबा से फोन तो करा दूं. हाँ सही. आई
तो बहुत अच्छी बात है, जाना पहचाना लड़का है। जाने पहचाने तो तुम भी हो, तुमसे ना कर लूं शादी। मुझे नहीं करनी उससे शादी। मुझसे करोगी शादी? आप किसी की बीवी थी, अब नहीं है। लेकिन उनके नाम से मैं अभी तक जुड़ी हुई। क्या आप मेरे नाम से नहीं जुड़ सकती?